तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, मेरे पास यहाँ पे तीन बॉक्स पड़े हैं। बॉक्स तीन है, प्रोडक्ट चार है, दो इसके अंदर है, एक इसके अंदर है, एक इसके अंदर। दोस्तों सारे प्रोडक्ट तो सही है, पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया है, डाउट सिर्फ इस पे है मुझे। अब ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर में जो प्रोडक्ट है उसका सिर्फ वेट है जो प्रोडक्ट का 499 ग्राम यानी आधा किलो, लगभग 500 ग्राम है। और सिर्फ इस बॉक्स के जो वेट है, यहाँ पर जब मैंने इसको वेट किया तो सिर्फ इस बॉक्स का जो वेट आ रहा है 152 ग्राम आ रहा है। पैकिंग कहीं से भी टेम्पर नहीं की गई है। आज सुबह ही ये सारे मुझे प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए हैं और ये अभी डिलीवर्ड हुआ है। और इन दोनों की सुबह मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी और स्टोरी में भी पोस्ट किया था। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा काम है। ये इसेंशियल प्रोडक्ट्स है और ये टेक्निकल है। ये एक अडाप्टर है और एक ये मोटर है और इसमें एक हेयर ऑयल और एक सॉफ्टनर। ठीक है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि इसके अंदर में क्या है, क्योंकि मुझे भी इसके अंदर क्या है इसकी क्यूरियोसिटी है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स को आपको दिखा दूँ बहुत कायदे से। आपको यहाँ पर तो आप ये रिकॉर्डिंग देख ही रहे हैं जो चल रही है ऊपर, और यहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए, कहीं से भी बॉक्स जरा सा भी टेम्पर्ड नहीं है। ठीक है, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ ताकि कोई गुंजाइश ना रह जाए, क्योंकि मुझे 100% डाउट है कि इसके अंदर में जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर में नहीं है। ठीक है, हालांकि सबसे बेस्ट बॉक्स की पैकिंग ये इसकी है। आई थिंक इसके अंदर प्रोडक्ट है काफ़ी बढ़िया है। 12 वोल्ट का अडाप्टर है, 2 साल की वारंटी इसके साथ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये भी ठीक है, कहीं से भी टेम्पर नहीं है। ठीक है, ये तीनों प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए। सबसे पहले जो इसकी क्यूरियोसिटी है, पहले इसी को मैं खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर वाकई में क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, इतना हल्का बॉक्स है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे इस पर डाउट है, इसलिए सबसे पहले मैं इसी को खोलता हूँ। चलिए यहाँ से ब्रेक करता हूँ सील को। अब दिमाग खराब हो जाएगा अगर जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया अगर वो नहीं निकला इसके अंदर। तो बॉक्स के अंदर में एक और बॉक्स पैकिंग है, बड़ा छोटा सा है यार, कुछ तो है जरूर। ये क्या है? ओह सॉरी, प्रोडक्ट तो है वही, बहुत ही छोटा है यार। जिस काम के लिए इसको मैंने मंगाया है, आई थिंक वो काम इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि YouTube पर इसकी एक भी वीडियो नहीं है और ना ही Amazon पे इसकी कोई पिक्चर है। ये बड़ा गड़बड़ हो गया। इसके पहले भी मैंने एक मोटर मंगाया था और ये डायाफ्राम मोटर है। ये पंप तो है ही है, बट ये डायाफ्राम भी है साथ साथ में। ठीक है, इतना छोटा, इतना कॉम्पैक्ट साइज कि अब मैं क्या बताऊं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो डिटेल्स में, ठीक है, 12 वोल्ट डीसी, 4.8 वाट, और ये देखिए मैक्सिमम जो लिखा है 240 लीटर पर आर, मेड इन चाइना। चलिए, निकला तो प्रोडक्ट सही है, मतलब सही क्या, बहुत छोटा है। बहुत का मतलब बहुत ज्यादा छोटा। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बाकी अभी चेक करते हैं। और एक यहाँ पे इस एक अडाप्टर मैंने मंगाया था इसी के लिए। कभी रिटर्न करने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है अगर पैकेट को सही से ना फाड़ें। चलिए, प्रोडक्ट निकला तो बाकी बहुत छोटा यार, इतने छोटे की उम्मीद नहीं थी मुझको। ठीक है, ये देखिए कैंडिड का है, बॉक्स के ऊपर लिखा है 12 वोल्ट 5 एम्पियर का। ठीक है, ये पावर अडाप्टर है, इसकी MRP लिखी हुई है बॉक्स के ऊपर, वो 1100 रुपये है। एक्चुअल में इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 499 है। लिंक आपको सारे प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार अगर आपको लेना है तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और उससे कहीं ज़्यादा भारी तो ये है, 300 ग्राम के आसपास है ये। आई थिंक इसी के अंदर से आवाज आ रही है। चलिए, लगभग 1.25 मीटर या 1 मीटर के आसपास इसकी केबल की लेंथ है।
बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा, 2 साल की इसके ऊपर वारंटी है। अगर आपको लेना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए अभी मैं इसको पावर देके भी चेक कर लेता हूँ। तो ये पावर दिया, यहाँ रेड लाइन ब्लिंक कर गई, और इसी के साथ साथ इसको भी चेक कर लेता हूँ। आपने आवाज़ सुन ली, बेकार है। चलो एडाप्टर तो काम आएगा, पैसे की बर्बादी हो गई, 1600-1700 रुपये, पता नहीं इसमें। और दोस्तों जैसा कि मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, बालों को रस्सी से भी ज़्यादा मजबूत कैसे बनाएं, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। थर्ड अनबॉक्सिंग, काफ़ी रैप वगैरह दिया है, और सॉफ्ट टच का न्यू फैब्रिक कंडीशनर जो कि 800 ml का है, MRP 235 है। और कैसा है ये वो सब दिखाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पर ये इंदुलेखा हेयर ऑयल, भृंगा हेयर ऑयल। दोस्तों MRP जो बॉक्स पे है वो 432 rupees है, इसको मैंने काफ़ी कम में ख़रीदा है, 300 something कुछ रुपए में। तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सारे जो भी प्रोडक्ट हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, चेकआउट ज़रूर करना। और दोस्तों इसको मंगाने का पर्पस क्या है, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल्स वगैरह होने लगे हैं। तो फिलहाल तो देखिए बॉक्स के अंदर में ये सारे कॉन्टेंट हैं, अभी ये तो नुकसानदेह है, ये मेरा पैसा बेकार गया, कोशिश करता हूँ कि इसको रिटर्न कर दूँ, जो दिख रहा था वो है नहीं, बाकी अडाप्टर ठीक है, काम आ जाएगा। और दोस्तों इसको मंगाने का पर्पस जो है, मेन रीज़न, कि मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है मैं उसमें पानी का प्रेशर बढ़ाना चाहता हूँ। आपने इसकी बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह देखी होगी, महंगे जो टुल्लू पंप आते हैं 5000-6000 रुपये लगा के, ठीक है, उससे जो है कि प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है। मैंने सोचा था कि 400-500 रुपये में प्रेशर को बढ़ा लिया जाए, तो ऐसा कुछ जुगाड़ मैं ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा था, तो फिर ये मिला, बाकी ये भी यूजलेस है। चलिए वीडियो अगर पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो नीचे लाल रंग का चैनल का सब्सक्राइब बटन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपना कमेंट के माध्यम से बताओ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें लगी, अच्छी या बुरी, जो भी कमेंट जरूर करना, और इसके बारे में एक लॉन्ग टर्म वीडियो मैं दूंगा, हालांकि कैसा है ये तो यूज़ के बाद पता चलेगा।